गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे सभी आए हो? अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज देखिए चल रही है मेरी साफ सफाई पूरे घर की। तो अंदर वाला जो रूम है ना, यहाँ पर बहुत जाला लग गया था और यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी हो रखी थी। दीवारों तक में भी थोड़ा थोड़ा सा जमा हुआ था जाला जैसा। तो सब पूरा मैंने क्लीन किया है और आज यशी घर में ही है, इसकी है छुट्टी। तो ये भी मेरी हेल्प करवाएगी, बोल रही थी मम्मी मैं साफ कर देती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पहुँच भी पाएगी फैन तक, ये नहीं कह रही मम्मा मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम्हें मैं बहुत अच्छे अच्छे काम बताऊंगी। अभी बस मुझे ये जाले क्लीन कर लेने दो, ताकि जब मेरी जो झाड़ू पोछे वाली मेड है वो आएगी तो घर में दोबारा से ये सब जाला वगैरह ना गिरे। उसके आने से पहले ये सब हो जाए, ताकि जब वो झाड़ू लगाएगी तो सारा कचरा निकल जाएगा। तो जाला वगैरह क्लीन हो गया है और ये जो मंदिर वाले कर्टेन है ना, तो अब जा कर के निकल रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए इनको लगे, 1.5 साल से ये धुले नहीं गए हैं। तो इसमें भी बहुत जाला जाला, एक तो ये नेट के है ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो वो मैंने निकाले। और ये जो फ्लावर्स लगा रखे हैं मंदिर के बाहर, आर्टिफिशियल वाले फ्लावर की लड़ी, तो ये भी गंदी हो गई थी। ये सब काम मैं अभी कर रही हूँ। ये 1.5 साल से कोई भी चीज़ें धुली नहीं गई जो मैं आज कर रही हूँ। जैसे ये फ्लावर तो खैर आई थिंक मैंने एक बार धुला था, और ये मंदिर का नहीं निकला हुआ था। तो ये किचन के पास में भी मैंने विंडो पे लगा रखे हैं ये फ्लावर्स, बास्केट के साथ में है तो उनको भी ले लिया है। और इन सबको ले करके चलती हूँ बाहर, बालकनी में ही धुल दूंगी और वहीं पे रख दूंगी सूखने के लिए। कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, धुले हुए हैं, बस फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं, तो बाहर वाले रूम में ही रखे। जब ये सब धुल दूंगी और उसके बाद फिर मैं इन्हें भी फोल्ड कर दूंगी। यशी देखिए बराबर मेरे साथ लगी हुई है, मेरी हेल्प बराबर करवा रही है, उसको बड़ा मज़ा भी आ रहा था ये काम करने में। तो बाल्टी में यहीं पर ही नल लगा हुआ है, तो बाल्टी में खूब सारा पानी भर के सारे जो भी फ्लावर्स है ना वो इसी में डाल डाल के, थोड़ा सा मैंने पाउडर भी डाला हुआ था ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये देखिए इसी में डाल डाल के धोती जा रही हूँ, और जो पानी है वो यहीं पे गिराती जा रही हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा होगा तो ये सब वाइपर ऊपर करके साफ हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रही थी, ताकि झाड़ू पोछा लगने से पहले ये सब क्लीन हो जाए और दोबारा गंदगी होने वाला काम नहीं रहे। तो देख सकते हैं आप लोग, यशी भी बराबर फ्लावर ले लेके बाल्टी में डाल रही है और धोने की कोशिश कर रही है। धो भी ले रही थी वैसा कुछ। आईना गई है स्कूल, आज इनकी छुट्टी थी तो ये घर पे मेरी हेल्प करा रही है। और अभी मैंने ना खाना वगैरह जो था वो सब सुबह मैंने बना ही दिया था, तो लेकिन खाया नहीं है मैंने। और यशी को भी अभी मैं गरम गरम रोटियां बना करके दूंगी, तो मैं और यशी दोनों लोग साथ में खाएंगे, क्योंकि इसको भी पूछ रही थी मैं तो, ये वैसे भी खाना खाने के लिए तो तैयार रहती भी नहीं है। सुबह जब आना स्कूल जा रही थी तो मैंने उसके पराठा दिया था, तब इसने एक पराठा खा लिया था, तो वही खाई हुई है अभी। आई थिंक 10:30 का टाइम हो गया होगा। ये देखो यशी मेरी हेल्प करा रही है बालकनी साफ करने में। और ये सब पौधे तो धुल गए सब बढ़िया, बट ये जो रेड पिंक वाला मेरा कर्टेन है मंदिर वाला, ये पूरा उलझ गया। अब सूख जाए तो देखती हूँ, अगर निकल जाए तो, वरना खराब। उसके बाद फिर मेरे कपड़े हो गए थे पूरे गीले, तो मैंने कपड़े जाकर के चेंज करे, और जो भी फ्लावर वगैरह थे वो सब सूख गया था, तो मैंने अभी चेयर में फिलहाल रख दिया है, लगाऊंगी मैं बाद में। कर्टन वगैरह भी सूख गया था, वो पूरा उलझ गया है, तो उसको मैं अभी सुलझाऊंगी। पता नहीं वो सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। आना आ गई थी तो उसकी ड्रेस पहन ली हुई थी बाहर, तो वही मैंने उठा ली है। अब इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। पाइप वाइप लगा रखा था मैंने, चलिए करते हैं वाइपर। पूरा बालकनी गीली हो गई, एक्चुअली प्लांट्स में डाल रही थी मैं, तो वही थोड़ा सा क्या हुआ कि गीला ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं दोबारा से बालकनी से धोने लगी थी। और वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया था, 3 बजे के आसपास का ये वीडियो आई थिंक। तो बस यहाँ पर मैं बालकनी धो रही थी, देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। और बालकनी धोने के बाद, उसके बाद अभी मैं आयना को ट्यूशन भेजूंगी, यशी को पढ़ाना है। अब इन लोग के जो PT2 है ना वो सब स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों का तो वही रहता है, हर महीने कभी कोई एग्ज़ाम कभी कोई एग्ज़ाम, उनकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कपड़े जो थे वो मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ आयना और यशी के। और आयना के ही हैं, यशी के तो नहीं है उसमें। और अब देखिए अब इनको मैं बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए,
तो जो जो वर्क इन लोग को मिला हुआ है वो सब मैं इनका कराऊंगा। तुम पढ़ने की कोशिश करो ना, ये पढ़ी नहीं रही है, चलो तीन तीन करके पढ़ा करो। टीचर कहाँ पे आएगा बताओ, क्यों प्लेसेस है यहाँ, यहाँ पे जगह के नाम लिखनी है। हाँ, टीचर तो लोग है ना, पीपल में आएगा। मम्मी ये ना ये सोच रही है कि सब में थोड़ी में आएगा बार बार, एक में से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर तो लोग है, पीपल है, पीपल में आएगा। यहाँ पे जो पीपल है वो पीपल में जाएंगे, एनिमल बर्ड्स को एनिमल बर्ड्स में लिखना है, प्लेसेस और थिंग ये करना है इसमें। फटाफट करो, दीदी की हेल्प ले लो। घर में तो देखो मैंने पानी अभी पूरा फुल भर के रखा है शाम के लिए, और अब मौसम थोड़ा सही हो गया है। ये वीडियो ना मेरा थोड़ा पहले का है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कूलर वूलर उस टाइम पे लगा था, अभी फिलहाल तो कूलर हट गया है, अभी क्या काफी दिन पहले ही हट गया है। तो इस वीडियो में कूलर है क्योंकि थोड़े बहुत वीडियोस जो हैं आप लोग पक्को पता ही है कि व्लॉग मेरे टाइम पे नहीं आया तो पड़े हुए, तो वही सब मैं अभी फिलहाल अपलोड कर दे रही हूँ। पहले के वीडियो दो चार ही बचे हैं बस, उसके बाद फिर लेटेस्ट व्लॉग आएंगे। और शाम के टाइम का वीडियो था ये, तो उस समय मैं बस अपना किचन जो है वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब दोपहर में मैंने रोटियाँ बनाई थी ना तब फिर मैंने साफ़ नहीं की थी तो गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने अभी साफ़ करी है। और अभी एप्पल कट करके बच्चों को दे देती हूँ मैं, आयना और यशी दोनों को ही। मुझे तो एप्पल बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, और आयना यशी को। आयना और यशी की स्टडी हो चुकी है, किचन भी मैं बीच में चली गई थी साफ़ करने, और बीच में आयना भी पढ़ा रही थी यशी को थोड़ा एनिमल वगैरह, तो उसका वर्क अब हो चुका है। अब दोनों लोग गई टीवी देखने, अब आधे क्या डेढ़ दो घंटे टीवी देखूंगी, यही टाइम है इन लोग का। दोपहर में मैं थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ, फिर अभी बस चाय बनाऊंगी, तो यशी मुझसे कह रही थी कि मैं चाय बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी आधे घंटे में, अभी तो धूप ही बहुत तेज है। और यहाँ पर आया हुआ था एक मेरा पार्सल, तो ये एक्चुअली आयना ने मंगवाया हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी एक्साइटेड है। तो अभी वो पार्सल जो है वो ओपन करिए और क्या मंगवाए हैं गेस करिए आप लोग, आयना ही खोल करके दिखाएगी। ये है पास्ता, इन्होंने मुझसे पास्ता ऑर्डर करवाया था जोमेटो से, तो वो सब खाया आयना यशी ने, यशी तो बहुत कम ही खाई, आयना ही खाई, मैंने थोड़ा सा खाया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, 7:30 बजे का टाइम जो है वो हो गया था, तो सब्जी बना रही थी फटाफट से, और जो बर्तन वगैरह दिख रहे हैं वो सब समेटूंगी, रोटियाँ बनाऊंगी। और ये वाला दिन का वीडियो जो है बस इतना ही शूट किया था, यहाँ पे बीच में एक और क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ। एक दिन हम लोग घूमने गए हुए थे जब मेरी बुआ जी आई हुई थी, उसी टाइम का ये वीडियो है। तो हम लोग कहाँ गए थे आप लोग गेस कर सकते हो क्या? ये गोकुल का वीडियो है, और गोकुल में ये रस खान की समाधि एक जगह है वहाँ पर का वीडियो है। उसके बाद फिर गोकुल में रमण रीति हम लोग आ गए थे, और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी गाय हम लोग को देखने को मिली, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वैसे यहाँ पर हम लोग पहले भी आए हुए हैं। फिलहाल ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, आई होप आपको पसंद आया होगा।